कंग्रेचुलेशन, दादी बनने वाले हो आप। जियो अभी शमशेरा ब्रह्मास्त्र जी, कंग्रेचुलेशन थोड़ा दादी बनने वाले हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हुई है, आपसे ज्यादा हम खुश हैं। थैंक यू जूनियर कपूर ऑन द वे। डाल दिया आलिया जी ने, डाल दिया इंस्टाग्राम पे, डाल दिया। अच्छा बढ़िया है, चलो जल्दी। व्यूअर्स, द मोस्ट अवेटेड न्यूज ऑफ 2020 यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बाद उनके नन्हे से मेहमान का वेलकम, उनके नन्हे से मेहमान की खुशखबरी, जिस तरीके से आलिया भट्ट ने अपनी रणबीर कपूर की पिक्चर, एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर जिस तरीके से पोस्ट की, फैंस को ये खुशखबरी सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको बताते चले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बारे में, जो कि 14th of April को हुई, और 14th of April को वस्तु वाले अपार्टमेंट में जिस तरीके से इनकी शादी की शहनाइयां बजी, फैंस को बहुत जल्दी वेट था कि अब ये हॉलीवुड की मूवी करेंगी और हमें इनका हनीमून देखना नसीब नहीं हो रहा, ना ही हम इनका हनीमून देख पा रहे हैं। लेकिन खैर, किसी को भी नहीं ये पता था कि ये हनीमून से पहले ही अपने बेबी को प्लान कर लेंगी। इनके जिस तरीके से पिक्चर पोस्ट करते हुए आलिया भट्ट ने लिखा, आवर बेबी कमिंग सून, और नेक्स्ट ही पिक्चर पर जिस तरीके से एक लाइन लाइनस और उनके बेबी की पिक्चर पोस्ट की, फैंस को लगा वाकई इनकी एक लाइन फैमिली यानी कपूर ऑन द वे है। एक जूनियर कपूर जो कि बहुत जल्द आएंगे, इनकी दादी और सारे के सारे घर वाले परिवार इनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आलिया भट्ट ने एक लंबी सक्सेस के बाद जिस तरीके से अपने इतना मकान बना लिया, वो अपनी बेबी को, अपने जूनियर कपूर को ऑन द वे रखने पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और अपने जिंदगी में इस नए चैप्टर पर बहुत ज्यादा खुश भी हैं। और वहीं पर फैंस भी बहुत ज्यादा खुश और बहुत सारी ढेरों बधाइयां देते नजर आते हैं, जहां पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी बधाइयां देते हैं, क्योंकि इनकी शादी भी एक ऐसी शादी थी जहां पर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इनके वस्तु वाले अपार्टमेंट में शहनाइयां, मीडिया के पेरेंट्स, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के पेरेंट्स दी, फैंस बहुत ज्यादा खुश थे कि जिस तरीके से रणबीर कपूर उस वस्तु वाले अपार्टमेंट में आलिया भट्ट को गोद में उठाकर लेके जा रहे हैं, बहुत जल्द जूनियर नन्ना सा एक बेबी इनके यहाँ पैदा होगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता। तो व्यूअर्स, आपको एक खुशखबरी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।